दोस्तों, गदर 2 फिल्म की कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तारा सिंह का बेटा चरणजीत सिंह अब बड़ा हो चुका है। फिल्म में तारा सिंह का रोल सनी देओल निभा रहे हैं और चरणजीत सिंह का रोल उत्कर्ष शर्मा निभा रहे हैं। चरणजीत सिंह आर्मी में भर्ती हो चुके हैं और अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद चरणजीत सिंह अपने घर पर वापस आया हुआ है और सनी देओल और अपनी माँ सकीना के साथ वह रह रहा है। फिल्म में सकीना का रोल अमीषा पटेल निभा रही है। घर में खुशी का माहौल है क्योंकि तारा सिंह ने अपने बेटे चरणजीत सिंह की शादी पक्की कर लिए हैं और चरणजीत सिंह की शादी सिमरत कौर से होने वाली है। अगले कुछ ही दिनों में चरणजीत सिंह की शादी होने वाली होती है। तभी चरणजीत सिंह को खबर मिलती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब उसे जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। तभी चरणजीत सिंह तैयार होकर ड्यूटी पर निकलने वाले होते हैं। तभी उनकी माँ सकीना उसे जाने से रोकती है और कहती है कि पहले शादी कर लो फिर चले जाना। तब चरणजीत सिंह कहते हैं कि मैं अपने देश को छोड़कर अपने खुशियों के बारे में नहीं सोच सकता, और इतना कहकर चरणजीत सिंह अपने घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध दिखाया जाता है जिसमें भारत के सैनिक पाकिस्तानी सैनिक से लोहा ले रहे होते हैं और चरणजीत सिंह भी अपने ड्यूटी पर लौट चुका होता है। पाकिस्तान के सैनिक से वह भी लड़ रहा होता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और आखिर में पाकिस्तान हार मान लेता है और सरेंडर कर देता है। पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद भारत पाकिस्तान के पकड़े हुए सैनिकों को छोड़ देता है और पाकिस्तान भी भारत के कुछ सैनिकों को भारत को सौंप देता है। लेकिन पाकिस्तान भारत के 5 सैनिकों को नहीं छोड़ता है और उन्हीं में से एक होता है चरणजीत सिंह। कई दिनों तक चरणजीत सिंह का कोई भी खबर नहीं मिलता है। सरकार भी सोच में पड़ी होती है और हर जगह मातम का माहौल बना होता है। चरणजीत सिंह के गायब हुए अब 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका होता है और सभी को लग रहा होता है कि वह मर चुका है, पर वो अभी जिंदा होता है और पाकिस्तान के जेलों में कैद होता है। कुछ ही दिनों के बाद इंडियन आर्मी के जवान एक पाकिस्तानी आर्मी के जवान को पकड़ लेता है। उसे थोड़ा टॉर्चर करने के बाद वह बताता है कि 1971 के युद्ध के बाद जो भारत के 5 जवान गायब हुए थे वो आज भी जिंदा है और पाकिस्तान के जेल में कैद है। अब जब सरकार को इस बात का पता चलता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी से इसका जवाब मांगती है, पर पाकिस्तानी आर्मी यह बताती है कि उन्होंने भारत के किसी भी जवान को कैद करके नहीं रखा है। और ये बात जब तारा सिंह को पता चलता है तो उन्हें पक्का विश्वास हो जाता है कि उनका बेटा चरणजीत सिंह आज भी जिंदा है और पाकिस्तान के कैद में है। इसलिए वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनके बेटों को जल्द से जल्द पाकिस्तान से छुड़वा लिया जाए। तब सरकार कहती है कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि चरणजीत सिंह और उनके साथी सैनिकों को पाकिस्तान ने कैद करके रखा है। कुछ दिनों तक सरकार का इंतजार करने के बाद तारा सिंह खुद ही फैसला करता है कि वो खुद ही पाकिस्तान जाएगा और अपने बेटे चरणजीत सिंह को छुड़वा कर भारत वापस लाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम मोहम्मद है, फिल्म में मोहम्मद का रोल रोहित चौधरी निभा रहे हैं, वो जेल में आया हुआ है। तभी हमें जेल में एक झलक चरणजीत सिंह की भी देखने को मिलती है। चरणजीत सिंह के साथ भारत के और सैनिक भी दिखाए जाते हैं जिसको बड़ी ही बेरहमी से पाकिस्तान के इस स्पेशल जेल में रखा हुआ था। आगे हमें यह दिखाया जाता है कि मोहम्मद लंबे समय से चरणजीत सिंह और उनके साथियों को टॉर्चर कर रहा होता है जिससे वह भारत के इम्पोर्टेंट वेपन और स्पेशल जगहों के बारे में जान सके, जिसकी मदद से वो भारत में अपने आतंकवादियों को घुसा सके और 1971 के युद्ध के हार का वो बदला ले सके। मोहम्मद चरणजीत सिंह और उनके साथियों को काफ़ी टॉर्चर करता है पर इनमें से कोई भी जवान अपना मुंह नहीं खोलता। इसलिए मोहम्मद अपने सिपाहियों से कहता है कि इन्हें ना जीने दो और ना ही मरने दो,
जब तक इनके शरीर से इनकी जान न निकल जाए तब तक इनसे सच उगलवाते रहो। दूसरी तरफ हमें तारा सिंह को दिखाया जाता है जो पाकिस्तान में जाने की तैयारी कर रहा होता है और सरकार को बिना बताए एक सरकारी अधिकारी की मदद से तारा सिंह पाकिस्तान जाने वाली एक मालगाड़ी में बैठकर पाकिस्तान तो पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां पर किसी को भी नहीं जानता है और उसे यह भी नहीं पता होता है कि पाकिस्तानी आर्मी उनके बेटे चरणजीत सिंह को कहां पर रखा है। पाकिस्तान में रहते रहते तारा सिंह वहां पर अपना ठिकाना तो बना लेता है, लेकिन उसको अभी तक चरणजीत सिंह की कोई भी खबर नहीं मिली होती है। अपने बेटे चरणजीत सिंह का पता लगाने के लिए तारा सिंह अपने एक मुस्लिम दोस्त की मदद लेता है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में ही रह रहा होता है। तारा सिंह अपने दोस्त के घर पर जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। तारा सिंह का दोस्त तारा सिंह के अपने बेटे के प्रति इतने प्यार को देखकर वह इसके लिए तैयार हो जाता है। तारा सिंह का दोस्त तारा सिंह से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा बेटा चरणजीत सिंह पाकिस्तान के किस जेल में है, पर मेरा एक अच्छा दोस्त है जो पाकिस्तानी आर्मी में एक बड़ा अफसर है, उसको शायद यह पता होगा कि भारत के जवानों को पाकिस्तान के किस जेल में रखा जाता है। तारा सिंह का वो मुस्लिम दोस्त अपने आर्मी अफसर दोस्त को एक दिन अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। उस दिन तारा सिंह भी वहीं पर होता है। तारा सिंह बातों बातों में उस ऑफिसर से अपने बेटे के उस जेल के बारे में पूछता है जहां पर उसको कैदी बनाकर रखा गया है। वह ऑफिसर बताता है कि भारत के पकड़े हुए आर्मी जवानों को पाकिस्तान की एक अंडरग्राउंड जेल में रखा जाता है जो हाई सिक्योरिटी एरिया में है। इस एरिया में आर्मी के अलावा और किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। तारा सिंह को अपने बेटे के ठिकाने का तो पता चल जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचा कैसे जाए यह भी एक बड़ी समस्या होती है। तारा सिंह उस जेल में जाने का एक प्लान बनाने लगता है। तारा सिंह प्लान बनाता है कि वह रात में उस जेल में जाएगा और वहां पर वह पाकिस्तान की आर्मी की ड्रेस में ही जाएगा ताकि उस पर कोई वहां शक ना करे। कुछ दिनों के बाद तारा सिंह उस जेल में पहुंच जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और इसी अंधेरे में तारा सिंह जेल के एक जवान को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मारकर उसकी ड्रेस पहनकर और उसी की आईडी कार्ड को लेकर जेल में घुस जाता है। तारा सिंह जेल के काफ़ी अंदर तक चला जाता है पर उस पर किसी को भी शक नहीं होता है, लेकिन तारा सिंह को चरणजीत सिंह के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलती है। तभी उसको एक जवान की चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसको जमीन के अंदर छुपाकर रखा हुआ होता है। तारा सिंह जब उस अंडरग्राउंड जेल के दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भारतीय दिखाई देते हैं और उन्हीं के बीच उनका बेटा चरणजीत सिंह भी होता है। चरणजीत सिंह की काफ़ी बुरी हालत को देखकर तारा सिंह भी वहीं पर रोने लगता है और उससे कहता है कि घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं हर एक जवान को भारत वापस ले जाऊँगा। तारा सिंह एक एक जवान को वहाँ से निकालना शुरू करता है और आखिरी में चरणजीत सिंह को निकालने के बाद वह सभी भारतीय जवानों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में ही कुछ जवान तारा सिंह को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तारा सिंह भारत के उन सभी जवानों को आगे भेज देता है और उन पाकिस्तानी जवानों को जो इनका पीछा कर रहा होता है उन सभी को वहीं पर मार देता है। तभी जेल में भगदड़ मच जाती है कि भारतीय जवान जेल से भाग गए और जब ये खबर मोहम्मद को पता चलती है तो वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर और भी अपने सैनिकों को तैनात कर देता है और भारत के उन सभी जवानों और तारा सिंह को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ तारा सिंह जवानों को लेकर एक जंगल में बैठा हुआ होता है और पाकिस्तान से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है। मोहम्मद को खबर मिलती है कि भारत के भागे हुए उन जवानों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। तभी मोहम्मद अपने जवानों के एक टुकड़ी को लेकर जंगल की तरफ रवाना होता है। अब मोहम्मद जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है, लेकिन तारा सिंह और उसके सभी जवान मिलकर उन सभी पाकिस्तानी जवानों को वहीं पर मौत की नींद सुला देता है। मोहम्मद कई बार
इन पर हमला करता है, लेकिन तारा सिंह अपनी चतुराई और अपनी ताकत से इन सभी जवानों को या तो वहां से भगा देता है या फिर उन्हें वहीं पर मार देता है। तभी तारा सिंह को पता चलता है कि इसी जंगल में एक नदी बहती है जो आगे चलकर भारत की सीमा में दाखिल हो जाती है। तारा सिंह इसी नदी के जरिए भारत जाने का प्लान बनाता है। तारा सिंह उन सभी सिपाहियों की मदद से एक नाव बनाने लगता है और एक ही दिन में उस नाव को बनाकर तैयार कर लेता है और रात में उस नदी की सहायता से भारत की सीमा में प्रवेश करने का प्लान बनाता है। लेकिन मोहम्मद को भी पता होता है कि इस जंगल में एक नदी है जो भारत की सीमा में प्रवेश करती है। इस नदी पर नजर रखना शुरू कर देता है और जहां से नदी भारत की सीमा में प्रवेश करती है वहां पर अपने सैनिक के एक टुकड़ी को तैनात कर देता है। तारा सिंह अपने जवानों के साथ उसी नदी से भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला होता ही है। तभी मोहम्मद के जवान इन्हें देख लेते हैं और इन पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन तारा सिंह और भारत के वो जवान जो पाकिस्तान के जवानों से हथियार छीने होते हैं, उन्हीं हथियारों से इनके ऊपर ये लोग भी हमला शुरू कर देता है और इन सबको वहीं पर मार गिराता है। अब ये भारत की सीमा से थोड़ी ही दूरी पर होते हैं, तभी मोहम्मद वहां पर पहुंच जाता है और अब तारा सिंह और मोहम्मद का आमना सामना होता है। तारा सिंह मोहम्मद को उसी समय मार देता है और भारत की सीमा में प्रवेश कर जाता है। तभी भारत की सेना ने इन्हें पहचान लेती है और इन्हें वहीं से सीधा आर्मी हेडक्वार्टर लेकर चले जाते हैं। दोस्तों यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।